अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों टेक्निकल पी के उर्दू चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों इस चैनल में आप लोगों को टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन अनबॉक्सिंग के हवाले से हर वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी। दोस्तों मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद आगे जो घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दो। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आपको प्ले स्टोर के बहुत से कूल फीचर्स बताने लगा हूँ कि हम प्ले स्टोर में आते हैं और कोई ऐप उठाते हैं और उसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा प्ले स्टोर के और भी बहुत से फीचर्स हैं जो आप लोगों को नहीं पता। मैं आप लोगों को एक तरतीब से उसके मतलब बताऊँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आपको दो ऑप्शन प्ले स्टोर पर नज़र आते हैं, एक होम का दूसरा गेम्स का। होम में आपको गेम भी सब कुछ ऐप मिल जाते हैं, लेकिन उसके साथ आपको गेम्स भी यहाँ पर सिर्फ गेम्स के ही ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आपको टोटल गेम्स नज़र आएंगी, बहुत अच्छी अच्छी गेम कैटेगरी में गेम्स नज़र आएंगी, सजेशन फॉर यू, प्राइवेसी इंस्टॉल, सब गेम्स आपको एक तरीके से नज़र आएगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर टॉप चार्ट्स का भी ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपको टॉप फ्री गेम्स नज़र आ रही होंगी जो कि सबसे ज़्यादा फ्री गेम्स हैं पाकिस्तान में, खेली जाती हैं दुनिया में, सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली गेम्स हैं वो नज़र आएंगी। और टॉप ग्रॉसिंग गेम में आपको वो गेम्स नज़र आएंगे जो हाई लेवल पे गेम खेली जाती है, जैसे कि नंबर वन पे पबजी गेम्स है और तीन पत्ती, ये गेम्स आपके ये जो टॉप ग्रॉसिंग गेम्स में नज़र आ जाएंगी। उसके साथ आपको एक ट्रेंडिंग ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर आपको ये नज़र आएगा कि पाकिस्तान में ट्रेंडिंग में आपको ट्रेंडिंग गेम्स नज़र आएंगे जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग गेम खेली जाती हैं, जो वो गेम नज़र आएंगी। उसके साथ आपको टॉप पेड का बटन नज़र आ रहा होगा, टॉप पेड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो गेम्स नज़र आएंगी जो पैसों से खरीदी जाती हैं। ये कौन सी गेम्स है, ये सारी गेम्स की लिस्ट आप लोगों के सामने आ जाएंगी और ये सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली गेम्स तरतीब के मुताबिक नज़र आएगी। उसके साथ आपको प्रीमियम का ऑप्शन नज़र आएगा, प्रीमियम में देखते हैं क्या नज़र आता है। प्रीमियम में वो गेम्स नज़र आ रही हैं जो पेड गेम्स हैं, ये सारे पेड गेम्स और पेड ऐप हैं जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी गेम्स हैं जो कुछ दिन के लिए फ्री कर दी जाती हैं, जैसे कि ये फिजिकली गेम्स, इसको ओपन करते हैं तो ये यहाँ पर इसके 0-0 इंस्टॉल होंगे। ये सेल्स एंड इन 15 आवर, ये 15 घंटों के लिए ये फ्री है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वरना उसके बाद ये 110 रुपये के कुछ गेम जिन पर सेल लगी जाती हैं वो भी स्पेशन होती हैं। तो यहाँ पर आप कैटेगरी में आ जाएँ तो आपको यहाँ पर कैटेगरी में एक्शन, एडवेंचर, बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी जो हम लोग कभी आते नहीं। यहाँ पर आप लोगों को ऐप को डाउनलोड करने में बहुत आसानी होती है। उसके बाद ये आप फैमिली पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फैमिली ऐप नज़र आएंगी जो कि फैमिलीज के लिए घर के ऐप होते हैं या बच्चों के लिए ऐप होती हैं। वो ऐप जैसे कि फैशन, मेकअप, ये वो ईटीसी, इस तरह से आपको गेम्स होगी इसी तरह की नज़र आएंगी, जो अच्छी गेम्स होंगी कूल गेम्स। यहाँ पर टोटल फैमिली चीज़ें नज़र आएंगी और यहाँ पर एडिटर चॉइस, ये वो चीज़ें हैं जो एडिटर चॉइस से मुराद है वो कि जो सबसे ज़्यादा खेली जाती है और जो एडिटर की पसंदीदा है और जिनको सबसे ज़्यादा रेव्यू दिया जाता है, यहाँ पर वो चीज़ें आती हैं, जैसे कि होरिजन चेस गेम्स हो, ऐप्स हो, कोई चीज़ वो, ये सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाले ऐप्स होते हैं। तो उसके बाद आपको किस चीज़ का ऑप्शन, अब फिर हम वापस होम पे आते हैं तो होम पर आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। होम पर आपको एक अजाफी ऑप्शन मिल रहा है, वो है एल ई एक्सेस, ये वो ऐप है जो लॉन्च तो हो गए हैं लेकिन अभी भी इस पर वर्क जारी है, ये डेवलपमेंट में है। वो भी ऐप आप लोगों को यहाँ पर सजेशन करता है, आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो ये इंस्टॉल तो हो जाएगा, लेकिन साथ ही नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि भाई दिस ऐप इज़, जैसे कि मैं इस पर क्लिक किया गया तो यहाँ पर लिखा दिस ऐप इज़ अ डेवलपमेंट, बी वन ऑफ द फर्स्ट राइट टू प्रोवाइड फीडबैक, तो मतलब ये अभी डेवलपमेंट में है, इंस्टॉल भी हो जाएगा लेकिन इस पर अभी तक भी काम हो रहा है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप होम पे वापस आ जाएं और फॉर यू पे क्लिक करके यहाँ पर आप कोई भी ऐप सर्च करें, जैसे कि कोई भी आप जिस किसी भी ऐप को सेलेक्ट कर लें यार, किसको यहाँ पर, जैसे कि ईमो है, मैंने ईमो डाउनलोड नहीं किया हुआ, तो बात का होता यूँ है कि ये कोई भी ऐप है तो यहाँ पर इसकी सारी डिटेल नज़र आती है भाई इसको किसने डेवलप किया, जैसे emo.em इस वेबसाइट ने इसको डेवलप किया है और ये कम्युनिकेशन का ऐप है और ये दुनिया में तीसरे नंबर पर ये ऐप फ्री ऐप चलाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसकी रिव्यू नज़र आएगी जो कि इसकी रिव्यू
स्टार की सूरत में नज़र आ रही होगी ये, जो कि बहुत अच्छी। उसके बाद ये नज़र आएगा कि ये कितनी कितने MB का है या इसकी कितनी स्टोरेज है। और उसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आएगा ये कितने लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। इसको 500 M यानी कि 500 मिलियन लोगों ने से भी ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। उसके बाद इसकी कुछ इस्तेमाल करने की तस्वीरें होती है ताकि यूज़र को आसानी हो या यूज़र को पता चले कि ये कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसके एडिटेड ऐप है, आप इसको अगर आपको यूज़ करने के बाद आपको अच्छा लगे तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि किसी ऐप को आप ज़रूर रेटेड किया करें ताकि डेवलपर की हौसला अफजाई हो जाए। उसके बाद आपको मैं यहाँ पर कमेंट भी पढ़ सकते हैं कि बहुत से लोगों ने इसके मुतल कमेंट भी किया है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएँ 3 डॉट पे, आप यहाँ पर प्ले प्रोटेक्ट में चले, जैसे क्लिक करेंगे तो प्ले प्रोटेक्ट बताता हूँ कि यहाँ पर ये क्या है। तो प्ले प्रोटेक्ट वो ये है कि ये ऐप को प्ले प्रोटेक्ट करता है और ये बताता है कि अगर आपके मोबाइल में कोई हार्मफुल ऐप है या जो भी ऐसे जो आपके मोबाइल को लॉस कर रहे हैं या आपका डाटा चोरी कर रहा है, तो ये इसके मुतलिक बताता है कि क्या आपके मोबाइल में कोई ऐसा ऐप ठहरा हुआ है। तो मेरे पास ऐसा ऐप कोई नहीं है, वरना ये मुझे भी बताता कि ये ऐप आपके लिए ख़तरनाक है, आप इसे डिलीट कर सकते हैं। ये प्ले प्रोटेक्ट आप चेक कर सकते हैं कि भी हमारे लिए कौन सा ऐप ठीक है या कौन सा ख़राब है। उसके बाद आप फिर सेटिंग में आ जाए, सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ पर चाहें तो अपना पेमेंट मेथड डाल सकते हैं और जब भी चाहें तो आप अपने डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट कार्ड से कोई भी पेड ऐप ले सकते हैं। उसके बाद विशलिस्ट में कोई भी ऐप, अगर जैसे कि कोई ऐप है आप उसको, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेबर मैसेंजर, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ऐड विश लिस्ट। अगर आप यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देंगे कि बाज़ का हमारे पास डाटा नहीं होता, लेकिन हम वो ऐप डाउनलोड करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास डाटा या किसी वजह से हम वो ऐप डाउनलोड नहीं करते, लेकिन जब हम करना चाह रहे होते हैं तो हमें उसका नाम भूल जाता है, तो हम इसको ऐड विश लिस्ट में डाल के हम इसको याद रख सकते हैं कि भाई हमने वेबर को विश लिस्ट में डाला था। जब हमें याद आया, जब हमें उसकी ज़रूरत हो, तो हम उस ऐप को डाउनलोड आसानी कर सकते हैं। उसके बाद आपके सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं। ये क्या है, डिस्कवर दिस यू कैन साइन अप सब्सक्रिप्शन इन योर फेवरेट ऐप्स एंड गेम्स एंड मैनेज विद गूगल प्ले। आप इसको सब्सक्रिप्शन करने के बाद अपनी फेवरेट गेम कुछ भी सजेशन करके डेवलपर से, तो यहाँ पर आपको रिकमेंड हो जाया करेगी। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में चले जाएँ, तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन के लिए सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप माई ऐप्स एंड गेम्स में चले जाएँ, तो यहाँ पर आपको 3 किस्म के ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, आपके टोटल ऐप और उनमें से कौन से की अपडेट आ गई और आपने किन को अपडेट करना है। एक तो वो ऐप आप लोगों को यहाँ पर नज़र आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉल्ड में आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये वो ऐप है जो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं। उसके बाद ये लाइब्रेरी में आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये वो ऐप है जो आप लोग इंस्टॉल करते हैं और आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पर वो सेफ रहते हैं। अगर आप उसको परमानेंट यहाँ से हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि अगर आपकी मेल आप मोबाइल फ्रॉक करते हैं या आपका मोबाइल चेंज करते हैं तो ये मेल आप दूसरे मोबाइल में जैसे लगाएंगे तो आपको सजेशन में यहाँ पर आके आपको लाइब्रेरी में सारे ऐप नज़र आ जाएंगे, आपने कौन कौन से डाउनलोड किए थे, और आपको बगैर सर्चिंग के आप वो ऐप फौरन क्लिक कर सकते, वन क्लिक पे हर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा फीचर है। उसके बाद हम सेटिंग में चले जाते हैं, सेटिंग में चले जाने के बाद हमें कुछ यहाँ पर चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे कि नोटिफिकेशन ऐप फेमस क्लियर लोकल, यहाँ पर आपको पेरेंटल कंट्रोल का नंबर नज़र बटन नज़र आ रहा होगा, तो आप जिस इसे ऑन कर लें, ऑन करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी पिन कोड लगा लें, यहाँ पर ओके करें, कंफर्म करने के बाद हम अब इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो कुछ ऐसे ऐप होते हैं जो आप चाहते हैं कि ये हर हमारे पास नज़र ना आए, तो आप इसको चाहें तो इस तरह से आप यहाँ पर रिकमेंड रोक सकते हैं कि भाई हमें ये ऐप नज़र ना आए। जैसे कि कुछ ऐप होते हैं जैसे कि 18+ रेटेड, 16+, 12+, आप जैसे जिस दिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रिकमेंड नहीं होंगे। तो अगर आप चाहें तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है, आप इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद प्रोटेक्ट मई अपडेट्स, इसको ऑन करके अपन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वो मैंने आपको चेक करके दिखाया था। ये थी बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स वाला प्ले स्टोर की जो बहुत से कम लोग जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।